अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ़गानी अंडा कढ़ी। कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक मैंने पैन ले ली है, उसमें मैं ये 3 मीडियम साइज़ के ऑनियन है इससे ऐसा मोटा मोटा कट कर ली हूँ, 12 लहसुन की कली है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 8 हरी मिर्ची है और 8 से 9 काजू है। ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। दो मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, फिर इसके बाद में मैं क्या डालूँगी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए 2 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी। और इसे पकने के लिए दूँगी, फिर इसे कब बंद करना है गैस मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए इसमें पानी एकदम जरा सी बचा है, अब मैं इस मोमेंट पे ऑनियन हमारी मिर्ची काजू सब नरम हो चुके हैं, अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। एक प्लेट में निकाल कर फिर दूसरा स्टेप क्या करूंगी आप लोगों को बताती हूँ। मैंने बॉईल 6 एग ले ली हूँ, इसे ऐसा कट लगा दी ताकि हम जो भी मसाला इसमें ऐड करेंगे फ्राई करने के टाइम इसके अंदर तक के जाए। ये मैंने एक पैन ली हूँ, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दी हूँ, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सारे अंडे हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखेंगे हम, इसे हिलाएंगे। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी, क्या ऐड करूँगी आप लोगों को बताती हूँ। 1/2 टेबल स्पून में रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, 1 पिंच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, 1/3 सी सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना। ऐसे टॉस कर दूँगी सारे मसाले को, हम अंडे में हिला के ले लेंगे, ऐसे फ्राई कर लेंगे। मैं आप लोगों को फ्राई करके बताती हूँ, 5 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। सारे जब तक के एग फ्राई हो रहे हैं, ये मैंने सारा कांदा मिर्ची अदरक लहसुन काजू एक जार में निकाल ली हूँ मिक्सर के। अब मैं इसे पीस के ले लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सी पानी बचा हुआ था, मैं आप लोगों को बोली ना थोड़ा सी पानी बचा हुआ है। और इसमें 1 मुट्ठी कोथमीर ऐड करूँगी, कितनी ऐड करूँगी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए मैंने कोथमीर 1 मुट्ठी ली हूँ, 1 मुट्ठी पुदीना ली, इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ। ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने के इसे पीस के ले लेंगे। ये हमारे अंडे हमने जो फ्राई करके रखे थे, इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी, इसके बाद क्या करूंगी आप लोगों को बता दी हूँ। सूप ले ली हूँ, इसी के अंदर 2 टेबल स्पून भर के बड़े चम्मच से ऑयल ऐड कर दी हूँ। अभी कुछ सूखे मसाले हैं या खड़े मसाले मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत ही कम ही डाल रही हूँ मैं। 2 तेज़पत्ते हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 लौंग है, 1 हरी इलायची है, 4 से 5 मैंने ब्लैक पेपर ली हूँ, काली मिरी ली हूँ अखी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा है। ये सारे इसमें ऐड कर दूंगी मैं। दो मिनट तक इसे क्रैकल होने दूंगी, फिर उसके बाद में क्या ऐड करूंगी आप लोगों को बताती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, अब जो हमने पेस्ट बना के रखे थे वो सारा पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है वरना हाथ पे छींटे आएंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अब गैस का फ्लेम हम फास्ट कर देंगे। इसे 2 मिनट तक के हम पकने देंगे, इसके बाद क्या ऐड करूँगी आप लोगों को बताती हूँ। जग में जो थोड़ा सी मसाला लगा हुआ था छिटका हुआ, मैं 1/2 ग्लास पानी ऐड करके इसमें डाल दूँगी। ऐसे हिलाते रहना है क्योंकि हमने काजू ऐड किए हैं, वो इसमें सूप में हमारे नीचे से चुटके नहीं करके। देखिए अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून दही ऐड कर दूंगी, ये खट्टी दही नहीं है, ताज़ी दही है, खट्टी नहीं है, आप लोग खट्टी दही नहीं ऐड करना। ऐसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे ताकि हमारी दही फटे नहीं। कुछ सूखे मसाले मैं क्या ऐड करूँगी आप लोगों को बता दूँ। 1/2 टेबल स्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना।
हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, एक टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम और इसे पकने के लिए देंगे 5 मिनट तक के। ये 5 मिनट होने आए हैं। अब मैं इसके अंदर जो हमने फ्राई एग रखे थे वो सारा इसमें ऐड कर दूंगी और इसे 5 मिनट तक के हम पका लेंगे। और इसमें मैं कस्तूरी मेथी थोड़ी ऐड कर दूंगी। ऐसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे 5 मिनट तक के पकने देंगे ताकि अंडे में हमारी ग्रेवी का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। कवर करके हम 5 मिनट तक के रख देंगे। इसे 5 मिनट हो चुका है, तरी भी हमारी ऊपर आ चुकी है, अच्छे से अंडे के अंदर मसाला तक के पहुंच चुका है। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी। आप लोग के पास घर की मलाई है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। ये चम्मच से मैंने 4 टेबल स्पून अमूल की फ्रेश क्रीम ली, ये इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद इसे 5 मिनट तक के हम पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। ये सारी इसमें ऐड कर दूंगी। इसके बाद में हम 5 मिनट तक इसे पका के स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से साफ करके ऐड करेंगे। आप लोग देखिए आप लोगों को पानी ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, मुझे पानी ऐड नहीं करना है। ऐसी घटी ग्रेवी, अफगानी ग्रेवी घटी रहती है, मुझे ऐसे ही रखना है। आप लोगों को 5 मिनट के बाद बताती हूँ। कवर करके इसे 5 मिनट तक के पका लेना है। देखिए 5 मिनट हो चुका है इसे पक के, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इस मोमेंट पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मैं आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए क्रीमी हमारा अफगानी अंडा कढ़ी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए कितना डिलीशियस दिखने में लग रहा था, खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है ये। एक बार मेरे अंदाज़ में ज़रूर बनाना। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं एक न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।